इंडिया में आजकल एक नया ट्रेंड सा चल गया है, स्टार किड्स को हेट करना। उनकी फिल्मों को ना पसंद करना या उनकी परफॉर्मेंस को ना पसंद करना एक अलग बात है, लेकिन उनको पर्सनली हेट करना, उनके बारे में कुछ भी कमेंट करना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इस वीडियो में मैं नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि स्टार किड होने के अपने ही कुछ डार्क साइड्स हैं। हमारा ये मानना होता है कि स्टार किड्स चांदी की चम्मच के साथ पैदा होते हैं और इनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ सिक्योर्ड होता है। हम अक्सर इनके एटीट्यूड, ब्रांडेड कपड़े, कार्स और इनके हॉलीडे वेकेशंस को देखकर ताजुब में रहते हैं। हालांकि हम ये नोटिस नहीं कर पाते हैं कि इन स्टार किड्स की बाहरी ज़िंदगी जितनी चमक धमक से भरी होती है, अंदर से वे उतने ही टूटे हुए होते हैं। इन स्टार किड्स को ज़िंदगी भर अपने पेरेंट्स के साय में जीना पड़ता है। उनके यार दोस्त या करीबी उनके माता पिता को लेकर इनका हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। इनके पेरेंट्स के पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ कंट्रोवर्सीज या स्कैंडल हुए थे, उसको लेकर इनसे सवाल पूछे जाते हैं, जिनके वजह से इन्हें कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ता है। स्टार किड्स को अपने स्टार किड होने का कितना प्रेशर रहता है, इसके लिए हम हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टॉलिन का एग्जाम्पल लेते हैं। सिल्वेस्टर स्टॉलिन के बेटे को हॉलीवुड में हमेशा उनके फादर के साथ कंपेयर किया जाता था। सिल्वेस्टर स्टॉलिन के बेटे होने का प्रेशर और मीडिया में उनको इतना ह्यूमिलेट किया गया कि उन्होंने ड्रग ओवरडोज से खुद की जान ले ली। बॉलीवुड में भी कई ऐसे स्टार किड हैं जिनको भले ही इस इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी हो, लेकिन फिर भी वे दिल से बुरे नहीं हैं। टाइगर श्रॉफ का कितना ही मजाक उड़ाया जाता है, उन पे मीम्स बनते हैं, उनको रोस्ट किया जाता है, लेकिन अब तक एक भी घटना ऐसा नहीं हुआ जहां वो किसी मीडिया पर्सन को या किसी के भी साथ बदसलूकी किए हों या फिर उनके साथ कोई भी कंट्रोवर्सी जुड़ी हो। टाइगर श्रॉफ पे स्टार किड होने का इल्ज़ाम भले ही लगता हो, लेकिन टाइगर मेहनत भी काफ़ी करते हैं। एक्शन हीरो होने के नाते वे घंटों जिम में बिताते हैं और हमेशा सबके साथ हम्बल रहते हैं। मैंने पहले ही टाइगर श्रॉफ के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि आखिर क्यों मीडिया, ऑडियंस या क्रिटिक्स टाइगर का मजाक उड़ाते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेपोडियम का हर प्रोडक्ट बुरा नहीं होता और इस बात का सबसे सही एग्जाम्पल है अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। ट्विटर पर लोग उनको नेपोटिज्म का प्रोडक्ट, बेरोजगार और भी कई सारी बातें कह देते हैं, लेकिन अभिषेक हमेशा किसी बात से बिना नाराज हुए सबको सटीक जवाब देते हैं। वरुण धवन, इस बंदे को तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हेट किया जाता है। वरुण को उनकी फिल्मों, उनकी एक्टिंग और उनके स्टार किड होने के कारण कई बार ह्यूमिलेट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वरुण के पास टैलेंट नहीं है। अगर आप बदलापुर या अक्टूबर में वरुण की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि वरुण स्टार किड होने के बावजूद अच्छी फिल्में कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन वो जुड़वा 2 और कुली नंबर 1 जैसे फिल्में इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप इन फिल्मों को बदलापुर और अक्टूबर से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि कुली नंबर 1 और जुड़वा 2 की कमाई जहां बहुत ही आगे है, वहीं कितने ही ऐसे इंडियन ऑडियंस होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि वरुण धवन की अक्टूबर जैसी कोई बहुत ही बेहतरीन मूवी भी आई थी। तो हम जो चीज़ देखना पसंद करेंगे, बॉलीवुड भी वैसे ही फिल्में बनाएगा, क्योंकि अंत में मतलब तो बस पैसे से ही है। यानी कि ये बात तो है कि बॉलीवुड में एंट्री लेना स्टार किड्स के लिए आसान होता है, लेकिन यहाँ टैलेंटेड लोग ही लंबे समय तक टिकते हैं, चाहे वो स्टार किड हों या आउटसाइडर्स। और ऐसा नहीं है कि सारे स्टार किड्स टैलेंटलेस होते हैं, लेकिन किसी को भी उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं बल्कि सिर्फ स्टार किड होने के लिए पर्सनल हेट देना, ये सही नहीं है। आपके क्या विचार हैं इस बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आप चाहें तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।